गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं कपड़े धुलकर आई हूँ, उन्हें सुखाकर आई हूँ, तो मेरी स्लीव्स गीली ना हो जाए इसलिए मैंने स्लीव्स के ऊपर रबर बैंड चढ़ा ली थी और ब्लड जैसे रुक सा गया है। तो आज मुझे आपके साथ दो DIY शेयर करने थे, तो मैंने सोचा जो मेरे घर में वेस्ट सामान है क्यों ना मैं उन्हीं से आपके साथ DIY शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने वैसलीन की बोटल्स ली हैं, यानी जो बॉडी लोशन आता है वो वैसलीन की बोटल्स थी बड़ी वाली, और जितना लोशन हम इनमें से निकाल सकते थे हमने ठोक पीट कर इनमें से निकाल लिया था। बट एज एन इंडियन वूमन हमारी बाल की खाल निकालने की तो आदत होती ही है, तो मैंने भी क्या किया, इन बोटल्स को कट कर लिया। एंड गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, एक जो वैसलीन की छोटे वाली डिब्बी होती है ना, वो पूरी इससे भर गई थी, जबकि मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना सारा लोशन इसमें से अभी भी निकल जाएगा। तो चलो, जितने अब सर्दियां बची हैं उसमें तो ये आराम से काम चल ही जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम करते हैं अपने DIY की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मेरी जो वैसलीन की बोटल्स में लोशन लगा था उसको मैंने अपने बॉडी के लिए यूज़ किया, एंड उसके बाद मैंने बोटल्स को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसके ऊपर एक बेस कोट करूंगी। बेस कोट मैं यहाँ पर व्हाइट एक्रेलिक कलर का कर रही हूँ, आप चाहें तो चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। बेस कोट करने का फायदा ये होता है कि जो भी हम इसके ऊपर फाइनल कलर करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और उभर कर आते हैं। सो कलर को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पर डबर का यूज किया है, क्योंकि ब्रश में बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स के मार्क्स आ रहे थे। बेस कोट के बाद मैंने इसके ऊपर चौक पेंट अप्लाई किया है। चौक पेंट मैंने घर पर बनाया है, यानी पाउडर और एक्रेलिक कलर मिक्स करके। इसको भी हम स्पंज की हेल्प से ही अप्लाई करेंगे। सो दोनों के ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम इनकी टॉप बाउंड्री में रेड एक्रेलिक कलर अप्लाई करेंगे, ये भी हम डबर की हेल्प से ही करेंगे। सो जब मेरे कलर्स अच्छे से ड्राई हो गए हैं, अब मैं इनके ऊपर यूज कर रही हूँ ट्रांसफर शीट का। इसको यूज करना बेहद आसान है। सिंपली हमें इसके ऊपर से थिन पोलोथिन शीट उतारनी है, एंड हमें इसके ऊपर इसे स्टिक कर लेना है। इसके बैक साइड में थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर हम डैब डैब करेंगे, एंड उसके बाद हमें स्टिकर को हटा लेना है। यही फॉर्मूला मैं दूसरी बोतल के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ। तो जैसे ही हमारा स्टिकर इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हमें धीरे से इसके पीछे वाला पेपर इसके ऊपर से हटा लेना है या साइड में सरका लेना है। तो इसी तरह से मैंने किया है, मैंने जो इसका पेपर था उसको साइड में खिसका लिया है, और ये मेरा ट्रांसफर इसके ऊपर हो गया है। इसके बाद इसकी टॉप बाउंड्री के लिए मैंने यूज किया है गोल्डन मेटेलिक कलर, और साथ ही साथ मैंने जो इसके ऊपर ट्रांसफर किया है अपने ट्रांसफर शीट को, उसमें छोटी छोटी मैं डिटेलिंग कर लूंगी रेड कलर से। नाउ दोनों बोटल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब लास्ट में हमें इसके पीछे एक होल करना है ताकि हम इसे कहीं पर भी हैंग कर सकें। तो आप जिस चीज़ के लिए चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पून होल्डर बना सकते हैं, आप चाहें तो पेंसिल होल्डर बना सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर है। सो लेट्स मूव आवर सेकंड DIY। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये छोटे छोटे कटिंग कंटेनर, जिनको मैं ऑलरेडी गर्म नाइफ से कट कर चुकी हूँ और 3 होल कर चुकी हूँ। अब इनके ऊपर मुझे वॉल पुट्टी डो अप्लाई करना था, बट ये थोड़े फ्लेक्सिबल है इसलिए मैं इसके अंदर फेविकोल को भी मिक्स करूँगी। सो वॉल पुट्टी और पानी के साथ साथ मैंने फेविकोल को भी लिया है। फेविकोल से मेरा मतलब है ग्लू, आप ग्लू किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। सो तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम इसका अच्छा सा एक बैटर रेडी कर लेंगे, जिसको हमें इसके ऊपर यानी अपने कंटेनर के ऊपर अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। सो इतना ही थिक आपको अपने बैटर को रखना है, तो ये अप्लाई करने में हमें आसानी होगी। सो गाइस, ये वीडियो मेरा काफ़ी पहले का है। ये जो आप दो कंटेनर देख रहे हैं, एक में इनमें से एक का यूज़ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और एक मेरे पास जो ये सेकंड कंटेनर बच गया था इसका यूज़ मैं आज की इस वीडियो में कर रही हूँ। सो इसको हम स्मूथ करने के लिए पानी का यूज़ करेंगे। पानी से फिंगर से इसको स्मूथ कर लेंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है, प्लास्टर जैसा हो गया है। अब हमें अगेन वॉल पुट्टी डो बनाना है, बट इस बार मैं फेविकोल का यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये वॉल पुट्टी डो रेडी कर रखा है।
एंड आप देख सकते हैं कितना थिक है, कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल आटे के जैसा हमें इसको बना लेना है। अब मैं छोटी छोटी अमाउंट में इसको ले लूँगी और इसको बर्फी शेप में रेडी कर लूँगी। इसी तरह से काफ़ी सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब जितने भी हमने वॉलपुट्टी डोसे बर्फी शेप रेडी की हैं, इनको वन बाय वन हम अपने कंटेनर के ऊपर फेविकोल से स्टिक कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने पूरे कंटेनर को रेडी कर लिया है एंड इसको ड्राई होने के बाद मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है ब्लैक एक्रेलिक कलर। एंड नाउ मैं इसके ऊपर यूज कर रही हूँ गोल्डन मेटालिक कलर, बट ये कलर हमें तभी यूज करना है जब हमारा नीचे का बेस कोट ड्राई हो जाए, यानी ब्लैक कलर अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक लाइन छोड़कर एक लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, यानी जो बीच की लाइन है मैं इसके ऊपर कॉपर मेटेलिक कलर अप्लाई करूंगी, सो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। सो अभी हमारा कॉपर मेटेलिक कलर भी अप्लाई हो चुका है, सो अभी हम इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे। वैसे भी एक्रेलिक कलर है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। एंड ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर यूज करूंगी कटिंग मिरर का। यहाँ पे मेरे पास कुछ गोल्डन कटिंग मिरर रखे हुए थे, तो उन्हीं का यूज करके मैं इसे एंटीक बनाऊंगी। सो इसी के साथ हमारा इजी और एंटीक क्राफ्ट हो गया है रेडी। सो अभी दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। तो गाइज, अगर आपको आज के सुपर इजी DIY पसंद आए हैं, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गिव थम्स अप। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ गाइज, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।